नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल इंडिया का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, आपका स्वागत करते हैं और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वीवो पीकेएल सीजन 10 के टीम रिटेंशन के बारे में, किन टीमों ने किन किन प्लेयर्स को रिटेन किया है और क्या सुर्खियाँ नज़र आ रही है वो हम बात करेंगे उस बारे में। और उसके अलावा पाँच बजे से पहले पहले आपको FBM वाला वीडियो भी मिल जाएगा। दोनों वीडियोस आज ऑक्शन से बिल्कुल पहले हम अपलोड करेंगे ताकि आपको जो है क्लियरली जो है पता चल सके कि किस टीम ने किन किन को रिटेन किया हुआ है। तो आगे चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं किस टीम ने किन किन प्लेयर्स को, जो मेन प्लेयर्स है उन पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे, रिटेन किया हुआ है और रिलीज़ किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हम बेंगलुरु बुल्स से शुरू करेंगे। तो बेंगलुरु बुल्स के जो कोच है रणधीर सिंह सहरावत साहब, ये तो बदलते ही नहीं है। लोग कहते हैं कि ये पेंशन भी लेके जा सकते हैं, मतलब इतना ज़्यादा लेवल का जो है लॉयल्टी इनके साथ है बेंगलुरु बुल्स के लिए। और हम तो ये बोलते हैं कि भाई रिटायर होंगे जब तक, तब तक वो कोच रहेंगे, मुझे तो यही लगता है पर्सनली। और सुनील तनेजा जी जैसे कई कबड्डी एक्सपर्ट्स भी है यही बोलते हैं कि जब तक शायद वो रिटायर ना हो तब तक वो बेंगलुरु बुल्स के जो है कोच रहेंगे। रणधीर सिंह सहरावत साहब जो है परिचय के मोहताज बिल्कुल भी नहीं है। हमने खुद उनकी कोचिंग, उनकी परफॉर्मेंसेस देखे हैं, जिस तरह से उन्होंने कई यंग प्लेयर्स को लाया, कई यंग प्लेयर्स को बनाया। तो जो है वो लाजवाब खिलाड़ी और लाजवाब कोच भी रहे हैं। और भरत हुड्डा को जो है उन्होंने पिछले साल स्टार बनाया था, अब भरत हुड्डा को उन्होंने रिटेन किया हुआ है। उसके अलावा पूरे डिफेंस को बदल दिया है। सौरभ नांदल जरूर वहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे मौजूद है, उनके साथ जो उनके जोड़ीदार है राइट कॉर्नर वो भी है। महिंदर को यहाँ पे जो है मैं सरप्राइज हूँ कि उन्हें रिलीज़ किया, मुझे लगता है उनको वापस ले लेंगे। और एक दो यंग डिफेंडर्स की तरफ जो है वो देख रहे होंगे। डिफेंस में है ऑप्शंस तो काफ़ी है जो लेफ्ट कवर में आपको देखें, सुरजीत भी अवेलेबल है यहाँ पे। अगर हम राइट कवर की बात करूँ लेफ्ट का, तो ऐसे कई सारे जो डिफेंडर्स हैं अच्छे अच्छे जो कवर में, आपको बता दूँ हरिंदर भी यहाँ पे जो है अवेलेबल है। तो बहुत है अवेलेबल, बहुत अच्छे अच्छे डिफेंडर्स हैं, तो उनके ऊपर ज़रूर यहाँ निगाहें रखेंगे कोच। और उसके अलावा एक दो रेडर्स भी देखना चाहेंगे मुझे लगता है, क्योंकि विकास कंडोला को इन्होंने रिलीज़ किया है, भारी भरकम कीमत में ख़रीदा था। पर विकास कंडोला कुछ अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाए, जिस वजह से विकास कंडोला को जो है रिलीज़ कर दिया गया। और उनको रिलीज़ करने के वजह से जो है अब सिचुएशन ये बन गया कि विकास कंडोला जो है उनके जगह पर किसी स्ट्राइक रेडर की तरफ वो देखेंगे। भरत हालांकि उनका स्ट्राइक रेडर बन चुके हैं, उनके इर्द गिर्द वो है टीम बनाना चाहेंगे। और उनके इर्द गिर्द क्या टीम बनाएंगे देखना होगा। मुझे लगता है या तो वो किसी सपोर्ट रेडर को ढूंढेंगे, जैसे कि रोहित गुलिया जो कि ऑफकोर्स है, और वैसे अगर एक दो और रेडर मिल जाते हैं उनको जो कि ऑलराउंडर भी हो और जो है उपयोगी डिफेंडर हो, साथ ही बीच बीच में डिफेंस करते हुए और साथ ही रेड में पॉइंट्स लाए, तो उनको उस तरह के भी प्लेयर की जो है आवश्यकता रहेगी। अगर हम बंगाल वॉरियर्स की बात करें, दूसरी टीम बंगाल वॉरियर्स के पास, उन्होंने भी जो है अपने पूरे रेडिंग कोर को जो है हटा दिया है, पूरे के पूरे रेडिंग कोर को हटा दिया है। सिर्फ एक दो यंगस्टर्स को ही रिटेन किया हुआ है, बाकी पूरा अगर हम रेडिंग कोर देखें तो यहाँ पे आप दीपक निवास हुड्डा को बाहर कर चुके हैं, रिलीज़ कर चुके हैं, इवन श्रीकांत जाधव को भी रिलीज़ कर चुके हैं, और सरप्राइजिंग मनिंदर पाजी को भी इन्होंने रिलीज़ कर दिया, मनिंदर सिंह को भी इन्होंने रिलीज़ कर दिया है। उसके अलावा हम डिफेंस देखें तो गिरीश खतरनाक एरनॉट को भी जो है इन्होंने रिलीज़ कर दिया है। उसके अलावा पूरे के पूरे डिफेंस में देखें काफ़ी सारे बदलाव किए हैं कोच के भास्करन साहब ने, बहुत सारे चेंजेस रहेंगे बंगाल के डिफेंस में। देखना होगा किस तरह वैभव गर्जे एक प्लेयर है जो शायद पिछले सीजन भी अच्छा खेले थे, उनको रिटेन किया हुआ है, वो बीच बीच में आपको उपयोगी डिफेंस करते हुए नजर आते थे। उसके अलावा एक दो और यंगस्टर्स हैं जिनको इन्होंने रखा हुआ है, लेकिन डिफेंस में ओवरऑल काफ़ी नए प्लेयर्स को लेना होगा, उन्हें डिफेंस को वापस से सेट करना चाहते हैं मुझे लगता है कोच। और उसके बाद रेडिंग कोर को भी रीबिल्ड करना चाहते हैं मुझे लगता है। मनिंदर को तो FBM से खरीद लेके जितनी मुझे लगता है संभावनाएं हैं, मनिंदर तो ले लेंगे। उसके अलावा देखते हैं कि किस तरह से आगे वो जो है मूव बनाते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर तेलुगु टाइटंस की, तो तेलुगु टाइटंस ने भी रीबिल्ड का ऑप्शन जो है चूज़ किया है। सब के सब हटा दिए गए हैं, पूरे ऑल स्टार जो डिफेंडर्स हुआ करते थे सब 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 ख़त्म कर दिया, पूरे रेडिंग के डिफेंस रेडर्स को भी जो है हटा दिया है। सिद्धार्थ देसाई से लेके आप सुरजीत तक सबको जो है छोड़ चुके हैं। सिर्फ परवेश भैसवाल को रिटेन किया हुआ है, ज़बरदस्त लेफ्ट कवर है, उनको जो है रिटेन किया हुआ है। और उसके अलावा देख लेते तो एक दो यंगस्टर्स उन्होंने रिटेन किया हुआ, रजनीश को भी इन्होंने रिटेन किया हुआ है।
उसके अलावा कुछ ज़्यादा है नहीं मुझे लगता है। पूरी टीम रीबिल्ड करना चाहते हैं और नए कोच जो है यहाँ पर मिल गए हैं। अनिल चपराना असिस्टेंट कोच रहेंगे, नरेंद्र रेवड़ू जो कि रहेंगे कोच इस पूरे के पूरे टीम में तेलुगु टाइटन्स में। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन और बड़ा बदलाव है जो हमने तेलुगु टाइटन्स की तरफ से होते हुए देखा है। पूरे के पूरे जो है कोचिंग कैंप को भी बदल दिया है और रीबिल्ड कर दिया गया है। टीम वापस रीबिल्ड होने वाली है। किस तरह से देखते हैं कोच साहब टीम बदलते हैं, किस तरह से टीम बनाते हैं, उस पर जो है हमारी निगाहें ऑफकोर्स बनी रहेंगी। और अबंग अगर हम बात करें दबंग दिल्ली की, तो इन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा जो है चेंजेस किए हुए हैं, अपना पूरा कोचिंग सेटअप भी बदल दिया गया है। आरएस पोकर सर जो कि रामवीर सिंह पोकर साहब जो कि इस टीम के नए कोच रहने वाले हैं, अजय ठाकुर जो है हमारे असिस्टेंट कोच दिखने वाले हैं। ऑफको अजय ठाकुर को कौन नहीं जानता, इंडियन कबड्डी में लेजेंडरी खिलाड़ी है और वो यहाँ पे आपको एज एन असिस्टेंट कोच आपको नज़र आते हुए दिखेंगे। उसके अलावा हम अगर पूरे के पूरे स्क्वाड को देख लें यहाँ पे दिल्ली का, जो दिल्ली की दबंग दिल्ली की टीम ने रिटेन किया हुआ है, उसमें नवीन ऑफकोर्स रहेंगे भाई साहब, नवीन को कौन छोड़ेगा। अगर हम आगे देखें मंजीत को रिटेन किया हुआ है, डिफेंस में सब कुछ चेंज किया है, सबको हटा दिया गया है। पूरे के पूरे डिफेंस में जो है चेंजेस करेंगे, शायद धूल भी नहीं है और काफ़ी संदीप धूल, उसके अलावा पूरे उनके राइट कॉर्नर मिड कवर यंगस्टर्स हैं दो तीन जिनको रिटेन किया हुआ है। उसके अलावा हम देखें तो आशु मलिक को भी जो है रिलीज़ कर दिया गया, ये जो है अच्छे ऑलराउंडर्स जिनको रिलीज़ किया हुआ है, लेकिन नवीन और मंजीत जो मेन दो आपके रेडर्स हुआ करते थे उन्हें आपने रिटेन किया हुआ है। एक दो रेडर्स या एक दो ऑलराउंड डिफेंडर्स, अच्छा डिफेंस यहाँ पे जो है वो दिल्ली की टीम जो है तलाश करने वाली है। उसके अलावा ऑलराउंडर भी तलाश करने की कोशिश ज़रूर करने वाली है दबंग दिल्ली की ये टीम, और एक बार जीते भी हैं, सीज़न 8 के विनर्स हैं, तो बिल्कुल इनकी निगाहें होगी सीज़न 10 के ट्रॉफी पे और हर टीम की निगाहें वही होने वाली है। ऑक्शन के बाद जो स्क्वाड बन के आता है ऑफकोर्स उस पर एक स्पेशल वीडियो हम बनाने वाले हैं। अगर हम बात करें अभी तेलुगु टाइटन्स की, जैसा कि मैं उस दिन अभी बात कर रहा था तेलुगु टाइटन्स की बीच में, उसको मैंने आधा छोड़ दिया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो तेलुगु टाइटन्स का जो टीम है वहाँ पे देखिए आपने पूरा रीबिल्ड किया है, तो नए जो है तरीके से टीम बनाने की कोशिश वो ऑफकोर्स कर रहे हैं। अगर हम बात करें हरियाणा स्टीलर्स, ये एक टीम है जिसमें आपको यहाँ पे कोच वापस वही है मीर गोलिया असिस्टेंट कोच, और मनप्रीत सिंह जो है एज अ कोच इस टीम में ऑफकोर्स कंटिन्यूएशन में है। मनप्रीत सिंह ने गुजरात को 2000 सीज़न छः के फाइनल्स में पहुँचाया था, आपको याद होगा, तो बहुत ज़बरदस्त टीम बना के रखी थी मनप्रीत ने, और इस साल भी यहाँ पे जो है कोशिश करेंगे मनप्रीत की इस टीम के, हरियाणा की जो टीम है उसको भी उसी तरह का बनाए। यंगस्टर्स काफ़ी लाते हैं मनप्रीत और यंगस्टर्स पे बिलीव करते हैं इस टीम में। देखें तो के प्रपंचन और विनय को जो है रिटेन किया हुआ है, उसके अलावा यहाँ पे जो है काफ़ी जो है प्लेयर्स को जो है बाहर कर का रास्ता दिखाया है। डिफेंस में देख ले तो जयदीप और मोहित की जो जोड़ी है वो ऑफकोर्स रिटेन हुई है। उसके अलावा यहाँ पे दो यंग कॉर्नर्स है उनको रिटेन किया हुआ है, हर्ष और सनी जो दो डिफेंडर्स है उनको रिटेन किया हुआ है। तो उसके अलावा देखें तो 6 डिफेंडर्स और 2 रेडर्स इन्होंने ओवरऑल रिटेन किए हुए हैं, और मुझे लगता है कि इनको एक रेडर चाहिए और 2 अच्छे कॉर्नर्स चाहिए जो कि एक्सपीरियंस कॉर्नर्स अगर इनको मिल जाए तो उसकी तलाश जो है ऑफकोर्स ये कर रहे होंगे। अगर हम बात करें तो यंगस्टर्स भी ला सकते हैं वैसे तो, पर रेडिंग का कोर उन्होंने बिल्कुल वही रखा है। प्रशांत कुमार राय रिलीज़ हो चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो है इन्होंने रिलीज़ कर दिए है, और वो एक शॉकिंग चीज़ है हमारे लिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो हरियाणा स्टीलर्स के अलावा अगर हम देखें यू मुंबा के टीम की तरफ, तो यू मुंबा की टीम ने क्या चेंजेस किए हैं, तो यू मुंबा ने जो रिटेन प्लेयर्स रिटेन किए और रिलीज़ किए उन पर देखें तो रिलीज प्लेयर्स है उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग खबर निकल कर आ रही है। तो गुमान सिंह ऑफकोर्स ये ऑब्वियस था, किसी के लिए शॉकिंग है किसी के लिए नहीं है, मेरे लिए तो ऑब्वियस था कि गुमान सिंह रिलीज़ होंगे हुए हैं, काफ़ी गलत दाव लगाया था उनको इतने पैसे देके। गुमान सिंह ने उस तरह का परफॉर्मेंस दिया नहीं है। जो रिटेन प्लेयर्स है रेडिंग डिपार्टमेंट में, हैदर अली करामी जो ऑफकोर्स वो स्पीडी रेडर ईरान से आते हैं उन्हें रिटेन करके रखा है, जय भगवान रेडर है उनको रिटेन करके रखा है, हरिंदर को बाहर कर दिया है, सुरेंदर को जो है उनका कैप्टन उनको रिटेन ऑफकोर्स किया हुआ है। अगर हम बात करें तो ये है कुछ चीज़ें जिनको रिटेन किया हुआ है टीम ने। अगर मैं बात करूं इधर पुणेरी पलटन, ओ भाई उन्होंने तो अलग ही
शौक दिया सबको, फजल अतराचली को जो है ना रिटेन करने का शौक दिया उन्होंने सभी के लिए, और ये सबके लिए शॉक्ड है क्योंकि फजल अतराचली इस तरह के खिलाड़ी है, इस यंग टीम को कप्तानी दी थी इन्होंने, स्टेबिलिटी दी थी, मुझे लगता है FBM में वापस खरीद लेंगे। तो ये जो सिचुएशन है ये रहा कि अगर हम देखें पंकज मोहिते सब उनका जो रेडिंग का पुराना कोर है पूरा का पूरा इन्होंने रिटेन किया, असलम इनामदार, पंकज मोहिते, इवन मोहित गोयल सब इन्होंने जो है रिटेन किया, आकाश शिंदे सब इन्होंने रिटेन करके रखा हुआ है। डिफेंस में भी ऑफकोर्स सेम ही है सब कुछ, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, बस फजल को रिलीज़ किया है मुझे लगता है, क्योंकि आप देखें तो 15 टाइम्स आपको थोड़ा सा ज़्यादा सवा करोड़ जो है लाख या ज़्यादा देना आपको पड़ता है, 20-25% शायद ज़्यादा आपको कॉस्ट देनी पड़ती है जब आप किसी प्लेयर को रिटेन करते हैं। तो ऑफकोर्स 2 करोड़ 20 लाख या 2 करोड़ 15 लाख के तो फजल थे, उसके अलावा अगर हम 25% एक्स्ट्रा जोड़ दें तो बहुत महंगा पड़ सकता था, इसलिए इन्होंने फजल को छोड़ दिया। मेरे हिसाब से उन्होंने कैलकुलेट किया कि फजल 2 करोड़ 10 लाख 2 करोड़ 15 लाख में भी मिल जाए तो बेहतर होगा, वो 25% एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं होगी और FBM लगा के फजल को वो वापस ले लेंगे अपने टीम में, मुझे तो ये लगता है पर्सनली। हालांकि पूरी टीम्स जो है सारी टीम्स जो है इनके पीछे फजल के पीछे पड़ने वाली है ये तो साफ दिख रहा है। यू मुंबा को भी एक एक्सपीरियंस डिफेंडर चाहिए और हो सकता है कि फजल अतराचली जो है यू मुंबा में वापस खेलते हुए आपको नज़र आ सके। तेलुगु टाइटन्स ऑफकोर्स वो भी वापस आपको देखते मिल सकता है कि वो फजल अतराचली को ले ले, तो ये ऑफकोर्स हर टीम चाहती है कि वो। तमिल तलाईवास की अगर हम बात करें तो तमिल तलाईवास ने काफ़ी ज़्यादा जो है अलग अलग चेंजेस किए हैं, उन्होंने पवन शहरावत को नहीं लिया है, ये भी सबके लिए शॉकिंग था, रिलीज कर दिया उनको। बाकी टीम बिल्कुल सेम रखी है, नरेंद्र कंडोला जो कि उनके स्टार परफॉर्मर रहे थे, कोच अशन कुमार रहने वाले हैं इनके, और यू मुंबा ने जो नए कोच हैं मैं उनके बारे में बताना भूल गया आपको उसके लिए क्षमा चाहूँगा, उनको नए कोच है जो है रेजा गुलाम अरदानी जो है वो इस टीम के नए कोच रहने वाले हैं और उनको जो है टीम ने लिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे बोल सकते हैं कि कोच रह चुके हैं, ईरान कबड्डी में जो है काफ़ी कायापलट किया था, और जो उनके असिस्टेंट कोच रहेंगे केवलचंद सुथार जी जो कि ऑफकोर्स KC सुथार जी ऑफकोर्स वो भी जो हैं ईरान के असिस्टेंट कोच रह चुके हैं और इनके साथ आपस में काफ़ी अच्छे मतलब रिलेशंस रहे हैं, कॉन्टैक्ट मतलब काफ़ी टाइम तक साथ में काम किया है, तो मुझे लगता है वही सोच जो है इस टीम में भी जो इस फ्रेंचाइजी ने दिखाई है और उनको कोचिंग दे दी है। तो ये है इस समय के लिए सिचुएशन यू मुंबा के लिए। हमने बात करी, अभी हम बात करें अगर हम बात करें ऑफकोर्स गुजरात जायंट्स की, यहाँ पे जो कोच है भाई साहब जो राम मेहर सिंह है, सक्सेसफुल कोच, मोस्ट सक्सेसफुल कोच इन VOPKL जिनके हम बोल सकते हैं, 3 लगातार टाइटल्स में पटना पायरेट्स जब जीते थे 3 लगातार टाइटल्स, तो ही वॉज़ द मैन बिहाइंड और जिस तरह से उन्होंने टीम बिल्ड की ज़बरदस्त, तो ही वॉज देयर ऑफकोर्स, और उसके वजह से आप देख सकते हैं कि जो पटना पायरेट्स के बाद वो गुजरात जायंट्स में पहली सीज़न में आए, पिछले बार पहला सीज़न खेलने आए कोचिंग करने आए और उतना अच्छा टीम ने परफॉर्म नहीं किया, कुछ रिटेंशंस जो है किए उन्होंने, प्रतीक तैया को रिटेन करके रख लिया है और HS राकेश को जो है उन्होंने रिटेन कर लिया, राकेश चंद गौड़ा जिनको हम बोलते हैं उनको उन्होंने रिटेन कर लिया हुआ है। उसके अलावा हम देखें तो डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ आए हैं, प्लेयर्स रिलीज़ किए हैं, रेडिंग में भी काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ किया है, सोनू जागलान को रिटेन कर दिया गया है उन्होंने रेडिंग में, तो ये 3 जो उनके यंगस्टर्स हैं उनको आप रिटेन करके चल रहे हैं। उसके अलावा हम देखें उठा के तो बाकी पूरे के पूरे डिफेंस में जो है और डिफेंस को रिलीज़ किया उन्होंने, अगर हम बात करें तो पूरे के पूरे डिफेंस में देखें तो जो पिछला सीज़न खेले हुए थे आप देखें ऑलमोस्ट सभी को, सिर्फ 1-2 प्लेयर्स को छोड़ के उन्होंने, 2-3 प्लेयर्स को छोड़ के उन्होंने जो है पूरे के पूरे डिफेंस को ख़त्म कर दिया। प्रशांत कुमार राय जैसे वो रिलीज़ हो चुके हैं, अगर हम बात करें तो MGR महेंद्र गणेश राजपूत वो भी रिलीज़ हो चुके हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो काफ़ी सारे और CR66 चंद्रन रंजीत भी रिलीज़ हो चुके हैं, तो ये है देखना होगा किस तरह से वो टीम को जो है अभी सिलेक्ट करते हैं। यंगस्टर्स है टीम में, मुझे लगता है एक्सपीरियंस रेडर्स की तरफ देखेंगे और डिफेंडर्स की तरफ देखेंगे, तो गुजरात जायंट्स की टीम इस समय जो है कहाँ पे ध्यान दे रही है मुझे लगता है देखना होगा उन्हें दोनों ही कैटेगरीज़ में, अभी उनको रीबिल्ड की आवश्यकता है। अगर हम बात करें द डिफेंडिंग चैम्पियंस की तो जयपुर पिंक पैंथर्स पिछले सीज़न जीती हुई टीम काफ़ी ज़्यादा सेटल नज़र आ रही है, 2 मेन प्लेइंग प्लेयर्स है पूरे के पूरे आपने रिटेन कर लिए, अर्जुन देसवाल आपके पास है,
आपके पास जो है अजीत है, उसके अलावा देख ले अर्जुन देसवाल को इन्होंने रिटेन किया हुआ, अर्जुन देसवाल को जो बिल्कुल आप नहीं छोड़ सकते थे रेडिंग में आपके पास जो है, तो उनके साथ जो है रेडिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट जो रेडर्स है उनको रिटेन किया। सिर्फ राहुल चौधरी को छोड़ दिया गया है, उनको रिलीज़ किया, ऑफकोर्स उतना परफॉर्मेंस उन्होंने दिया नहीं था, मुझे लगता है थोड़ा सस्ते में देखने के चक्कर में देख रहे हैं या फिर कोई और एक थर्ड रेडर वो ढूंढ रहे हैं। डिफेंस देखें तो पूरा का पूरा डिफेंस सेटल्ड है, सुनील जो कि कप्तान है वो भी वापस रहेंगे, साहुल कुमार वो रहेंगे, अंकुश राठी आपको नज़र आते हुए नज़र आएंगे, पूरे के पूरे जो डिफेंस है पूरा का पूरा सेट है। तो डिफेंस को जो है छेड़ा नहीं है कुछ ने, ऑफकोर्स जाहिर सी बात है जो टूट गया उसको ही जोड़ना चाहिए, जो नहीं टूटा उसे क्यों जोड़ने की ज़रूरत आपको आनी पड़ी। पूरा डिफेंस जो है कि इस सीज़न जो पिछला सीज़न था वो जिस तरह से खेला है उसको चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है और बिल्कुल नहीं मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। ट्रॉफी जिताने वाले कप्तान सुनील ऑफकोर्स वही रहेंगे इस टीम के कप्तान आज भी, और पूरा का पूरा जो डिफेंस है पूरा सेट है। इवन हम देखें रेजा मीर बगानी वो भी वहीं पे हैं इस टीम में लेफ्ट के डिफेंस में, तो ये अच्छा रखा है कॉम्बिनेशन कोच ने काफ़ी ज़्यादा। संजीव बालियान साहब जो है कोच रहेंगे जयपुर पिंक पैंथर्स के, ज़्यादा जो है परिवर्तन नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा सेटल्ड टीम नज़र आ रही है, कोई ज़्यादा परिवर्तन की ज़रूरत भी नहीं है। अगर हम बात करें यूपी योद्धास के बारे में तो यूपी योद्धास ने जो है ऑफकोर्स प्रदीप नरवाल को रिटेन कर लिया है, मुझे तो लग रहा था कि कहीं रिलीज ना कर दें पर रिटेन किया हुआ, अच्छा खेल रहे हैं प्रदीप। उसके अलावा हम सुरेंद्र गिल जो कि एक वन ऑफ द की फैक्टर्स थे कि यूपी योद्धास यहाँ तक पहुँचा है, प्रदीप जब नहीं चलते थे सुरेंद्र कंसिस्टेंटली चलते थे, हालांकि उन्होंने रोहित तोमर को रिलीज़ कर दिया है, मुझे लगता है रोहित तोमर को वापस FBM करते हुए खरीद लेंगे। डिफेंस पूरा का पूरा वैसा ही रखा है, जसवीर सिंह साहब ने पूरे के पूरे डिफेंस को वैसा का वैसा ही रखा है। अगर हम देखें तो वही नितेश और सुमित की जोड़ी रही आपको जो है राइट एंड लेफ्ट कॉर्नर में नज़र आएगी, पूरा का पूरा डिफेंस सेम है। ऑफकोर्स कोई ज़्यादा डिफेंस में छेड़छाड़ बिल्कुल भी इस टीम ने की नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हमें देखना होगा किस तरह से टीम जो है आगे जो है अप्रोच करती हैं इस पूरे ऑक्शन को। FBM एंड पर्स के ऊपर एक स्पेशल वीडियो ऑफकोर्स हम ऑक्शन से पहले बनाएंगे और उसी वीडियो में बताएंगे कि सबसे ज़्यादा महंगे प्लेयर्स की कैटेगरीज़ कौन सी हो सकती है, कि कौन से प्लेयर्स सबसे ज़्यादा महंगे होंगे, तो उसके ऊपर जो है आपको बिल्कुल निगाहें बनानी है। देखते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से यहाँ रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई साहब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।